समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मित्र मित्रों को जब सहायक अध्यापक बना दिया गया तो फिर इनका रिमोशन करने का मुख्य कारण क्या रहा। एक तरफ प्रमोशन किया जाता है तो दूसरी तरफ रिमोशन किया जाता है। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। एक हमारे बीच में एक अध्यापक और हैं। सर आपका नाम? हमारा नाम छत्रपाल है, जिला लखीमपुर खीरी के हम रहने वाले हैं। मेरा कहना सीधे सीधे शब्दों में ये है, कि जब 2000 या 2001 में जब भर्तियां हुई थी उस समय हम इंटर थे, लेकिन हमारे आधे से ज़्यादा भाई जो इंटर हमारे ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट होने के बाद हम लोगों ने 17 साल पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हम लोग सहायक अध्यापक बनाए गए। गवर्नमेंट हमारे साथ सीधे सीधे अन्याय कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये मानती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही गवर्नमेंट अगर मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम निकाले गए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती है समान घर के लिए समान वेतन, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश यूपी सरकार क्यों नहीं मान रही है? तो यूपी सरकार को मानना चाहिए। अगर हमारा आदेश सही, अगर हमारा आदेश सुप्रीम कोर्ट का सही है तो वो भी सही होना चाहिए। हम लोग सब ग्रेजुएट हैं, बीटीसी हैं, हमारी राज्य सरकार हमारे संग अन्याय कर रही है, उसको हमें ये अन्याय नहीं करना चाहिए। ये बनियों की सरकार है, ये उन हरामखोरों की सरकार है जो लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं और ऊपर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विनाश, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। ये बनियों की सरकार है और मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ। आज हम पैदल हैं और ये निश्चित है, ये निश्चित 2019 और 24 इनको बताएगा कि शिक्षा मित्रों के साथ तुमने क्या किया था, ये बताएगा। अगर तुम बहुत सत्यवादी हो, बहुत कोड को मानते हो, अगर कोड को मानते हो हमारे ऊपर कोड लागू है तो कोड ये भी कहता है समान कार समान वेतन मिलना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे होते हो? ये हराम खोनों की होरों की सरकार है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को तो एक अध्यापक कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और उस योगदान को न समझते हुए आज आप जंतर मंतर पे हैं। हम जंतर मंतर भी हैं, हम लोग सब बीएड हैं, टीटी हैं, बीटीसी हैं। आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों से कहा गया तुम्हारा समोचन रद्द, ठीक है समोचन, हमारे साथ ये अन्याय हुआ, क्यों हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है समोचन रद्द है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? और अन्य प्रांतों में कहीं 30,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 35,000 है, कहीं 25,000 है, यूपी सरकार क्यों नहीं दे रही? ये यूपी सरकार निकम्मी है और हमारा जो राज्य प्रधान सचिव है वो सबसे बेकार है, उसको हम लोग ये चाहेंगे उसकी बर्तागदी होना चाहिए। हमारे साथ सरासर घोर अन्याय, घोर अन्याय, घोर अन्याय, घोर अन्याय।